फ्रेंड्स, टीचिंग सेक्टर से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए और टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने हेतु आप हमारे सागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले सबसे जल्दी लेटेस्ट न्यूज और ऑथेंटिक सोर्स के साथ सागर क्लासेस। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है सागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हमारा ये वीडियो बेस्ड है हमारे यूपी में जो डीरेट का प्रोसीजर चल रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2017 के लिए। 2016-17 सेशन में जिनके एडमिशन हुए थे सन 2017 में, उनके लिए ये न्यूज़ है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो चुका है और उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को लेके जो है वो शासनादेश आ चुका है। काफ़ी सारे जो हमारे कैंडिडेट्स थे, जो हमारे जूनियर्स थे, ठीक, उन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैंने उनको पहले ही बताया था कि इस समय UPDT का एक कोर्ट केस चल रहा था जिसकी उम्मीद 3 अप्रैल के लास्ट में निपटने को है, और सॉरी मार्च के लास्ट में निपटने को है। उसके बाद अप्रैल में जो है वो आपका सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, उसी तरीके से यही एक शासनादेश आया है। इस शासनादेश को साफ साफ पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है कि डीलेट प्रशिक्षण से तो प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा वर्ष 2018 हेतु प्रशिक्षण पूर्व चुके अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्ति करे जाने के संबंध में। आगे जरा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, साफ साफ लिखा है कि चाहे आपके डाइट हो, चाहे निजी संस्थान हो, आपका जो कोर्स जो है वो 12/10/2017 से जो था स्टार्ट था, और वर्तमान समय में इसके 6 महीने पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे नियम ये होता है कि जिनके भी 6 महीने पूरे हो जाते हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म जो है भराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब सब लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है सारे डाइट, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ये वेबसाइट दी गई है UPDLEDExam.in के माध्यम से 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक के बीच में जो आपको फॉर्म है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अप्रैल में आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा, वही न्यूज़ यहाँ पर है कि अप्रैल में यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो रहा है। और जाहिर सी बात, जब मैंने कहा था कि आपके फॉर्म जब भी भरे जाएंगे, मैंने पहले कही थी कि जब भी आपके फॉर्म भरे जाएंगे तकरीबन आपको 20 से 25 दिन दे दिए जाएंगे तैयारी के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए कि ये 16 अप्रैल लास्ट डेट कह रहे हैं फॉर्म भरने की, यानी आपका एग्ज़ाम जो है वो उम्मीद है किस हिसाब से होना चाहिए, मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, ये यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है। आगे देखिए, बाकी तो यहाँ पर ये प्रोसेस दी हुई किस तरीके से प्रोसेस करना, ये तो सारा स्कूल वालों का काम है, इसमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक और भी पेज है, उस पेज को भी मैं जरा दिखाऊंगा आप लोगों को। अब दूसरे पेज की तरफ चलूंगा। ये देखिए, दूसरा पेज है। दूसरे पेज में कुछ नहीं, बस ये स्कूल वालों के लिए कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरने, किस तरीके से क्या भरना है। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर करूँगा क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के साथ मनमानी करते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पहले से गाइडलाइन दे रहा हूँ। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं, चाहे आप डाइट के हों, ये बात कान खोल के सुनिएगा कि आपके परीक्षा का शुल्क केवल 400 रुपये है। 400 रुपये से एक्स्ट्रा एक भी रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि प्राइवेट कॉलेज वाले काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, 5,000 से 10,000 तक रुपए वसूलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अवैध वसूली से परेशान होंगे, उन्होंने अपने ज़िले में DM या BSA या डाइट प्रशासन से शिकायत भी की, फिर भी ध्यान रखिएगा फॉरम की फ़ीस केवल 400 रुपये है। 400 रुपये से ज़्यादा एक भी रुपये आपको नहीं देना, सिर्फ इतनी एग्ज़ाम की फ़ीस पड़ती है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा तो हो सकता है आपसे ID प्रूफ के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें मांगी जा सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी फ़ोटो जो है, अपनी एटलीस्ट 2 फोटो अपने पास रखिएगा, 2 फोटो की नीड पड़ेगी, आपका एक ID प्रूफ मांगा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आपने जब डीलेट में एडमिशन लिया होगा, एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिला होगा, वो अलॉटमेंट लेटर भी अपने पास रखिएगा, उसकी फ़ोटो कापी इसमें नीड पड़ सकती है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो ध्यान रखिएगा कि आपके फॉर्म इतने से, जैसे बताया गया यहाँ पर, ठीक है, 2 तारीख से 16 तारीख के बीच में भरने, अपने संस्थान जाइए, अपने फॉर्म को भरिए, और हाँ, एक भी अवैध रुपया, एक भी बेकार का पैसा बिल्कुल भी मत खर्च कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी यदि आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो के कमेंट। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं अरुण सागर, मैंने 2013 वैसे BTC किया है, CTET UPTET काफ़ी सारे क्वालिफाई करके रखती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट टाइम मैं अपने हरदोई ज़िले में आप सब लोगों को गाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यदि हरदोई ज़िले से रिलेटेड हैं तो मैं यहाँ पे आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी काफ़ी सारी जानकारी मेरे से ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 78 43 97 74 27, 78 43 97 74 27। इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आप जानकारी ले सकते हैं, आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यदि आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको लिखना है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं आपको स्टडी मटेरियल जो है
उस स्टडी मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। पेपर किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से कॉपियाँ आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक नए इशू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। और हाँ, मेरे इस वीडियो का लिंक मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको और भी वीडियो देता रहूँ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।